नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के शुरुआती तीन चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने हैं। इसमें से मुख्य तौर पर जो पहले के दो चरण हैं उसको हम लोग जाट लैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी वहां पर जाट बिरादरी का बड़ा वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन इलाकों से जीत कर आती रही है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष वहां पर कुछ खास करता नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए दो तस्वीरें जो आम लोगों के सामने हर रोज नजर आ रही है वो ये कि बीते कुछ दिनों से लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की पूरी फोर्स को वहां पर एक तरीके से मैदान में उतार दिया है, और दूसरी तरफ विपक्ष है इंडिया गठबंधन जो वहां पर कोई अभी तक बड़ा काम नहीं कर पा रहा है। अब हम आज ही अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए नमो ऐप के जरिए एक रैली की। 22,000 से भी ज्यादा बूथ से वो सीधे कनेक्ट हुए। तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार वो पुराने सभी कीर्तिमान उसको ध्वस्त कर दे। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है और हैरत में डालने वाला है कि प्रधानमंत्री सीधे बूथ प्रमुखों से पन्ना प्रमुखों से कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, दोनों डिप्टी सीएम पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार, आज पांचवा या छठा दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में, वो भी लगातार दौरे कर रहे 6 दिन से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जयंत चौधरी वो आज मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी गाजियाबाद में मौजूद है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो, उसके अलावा मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम। एक दूसरी तस्वीर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो तस्वीर चाह करके भी नजर नहीं आ रही है। वो तस्वीर जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन साझा रैलियां करेगा, चुनाव प्रचार के लिए टीम निकलेगी, लोग जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका वहां पर जमावड़ा होगा, लेकिन वो जमावड़ा अभी तक नजर नहीं आया। ना ही अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, ना ही राहुल गांधी या दूसरे जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, कोई साझा रैलियां नहीं हो रही है। स्थानीय स्तर पर जिन लोगों को टिकट मिले हैं, लोकल स्तर पर कार्यकर्ता साथ में जाकर के छोटा मोटा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इसको किस नजर से देखा जाए अगर दोनों की हम तुलना करें, और इसके क्या नतीजे होंगे, क्या इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन, जिसने पहले सीट शेयरिंग में लेकर के काफी देर की, सीट शेयरिंग हो गई तो उसके बाद कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट को लेकर के काफी देर हुई, जब कैंडिडेट अनाउंस हुए तो उसके बाद उनको बदला जाने लगा, और अब स्थिति यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 90% पे प्रचार का काम पूरा कर चुकी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसने अभी तक ठीक ढंग से प्रचार शुरू भी नहीं किया। तो चलिए इस चर्चा को हम शुरू करते हैं और तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं एक एक करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा दीक्षित जी इस चर्चा में शिरकत कर रही है। अपर्णा जी बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सुशील पासी जी जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आप तीनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक के तौर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि विजय उपाध्याय जी आज चर्चा में शामिल हो जाए। अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। तो शुरुआत की जाए अपर्णा दीक्षित जी आपसे ही। ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ जनसभाएं, पूरी फोर्स जाट टेंट में उतार दी आपने, किस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रही है? क्या वहां पर आपको लगता था कि पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? और दूसरी बात ये कि इंडिया गठबंधन की जो जिस तरीके की हम लोग सोच रहे थे कि वहां से तमाम दिग्गज हम लोगों को प्रचार करते नजर नहीं आएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि खुला मैदान छोड़ दिया गया आपके लिए जाट टेंट में? देखिए, ये बात तो सही है कि हम लोगों का जो प्रचार करने का तरीका है वो सबके साथ लेकर चलते हैं, और हम कभी भी, पिछली बार जब आपकी डिबेट में बैठे थे तो ऐसा था कि
जब भी मैंने आपको सरकार कहा था मैनेजमेंट का कोई सानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग हमेशा प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, हमारी जो हम हमेशा वर्करों के बीच में एक्टिव रहते हैं, हमारे जो जनता के कार्य हैं उनको विकासों में लगे रहते हैं। साथ ही आपको एक बात बताऊं, जो विपक्ष का काम है जो आजकल जो मैं समझ पा रही हूँ ये है कि मंच बना लिया उन्होंने, इंडी गठबंधन बना लिया, ये तो सिर्फ एक बहाना है, मोदी विरोधी एक बहाना है, असल में तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अपने आप में बचाना है, इस तरीके की स्थितियां है, ये सब लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए तो प्रचार कहाँ से करेंगे आप, इनके तो आपको समझिए कितनी संवादहीनता दिखाई दे रही है प्रत्याशियों को लेकर, आपके प्रचार को लेकर। सोनिया गांधी तो चली गई राजस्थान, राहुल गांधी वायनाड से नामांकन करके ये बता ही दिया, कार्यकर्ता निराश हो गया उनका उत्तर प्रदेश में। अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो अभी आते लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी नामांकन कर चुके हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी प्रचार आप देख ही रहे हैं किस प्रकार कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगला नंबर लेना है तो पहले अपने आप को बचा लो। और कहीं ना कहीं जो ये मतभेद हो रहे हैं ना प्रत्याशियों में, आप देखेंगे मुरादाबाद में एसपी हसन साहब अभी भी बेचारे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं मतलब उनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो रामपुर में जब से वो मीटिंग करके आए हैं आजम खान से, तब से इनकी जो स्थिति है वो मुंह छिपाने वाली नहीं रही है, सही बताऊं तो। ये देखिए ना कितना कंफ्यूजन है, उत्तर प्रदेश की जनता तो हंस रही होगी इन लोगों पर कि आखिर ये समाजवादी पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी के विषय में सिर्फ एक बात लास्ट कहूंगी, जब से इनके हाथ में कमान आई है आप देखिए कोई भी इलेक्शन नहीं जीते हैं, 2017 का, 2022 का, 2019 का, अब आप 2024 को भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नारा इसीलिए बुलंद है क्योंकि विपक्ष अपना काम नहीं कर रही है और विपक्ष अपना काम करते हुए दिखाई भी नहीं दे रही है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार को छिपाते हुए ही नजर आ रही है। कृष्ण जी पांडे जी, ये तस्वीर जो है थोड़ा सा परेशान करने वाली है इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। आप देखिए उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जिसको कोई भी आदमी खुली आंख से देख सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के लिए नमो ऐप के जरिए 10 लोकसभा सीटों पर एक साथ प्रचार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयंत चौधरी के साथ प्रचार कर रहे हैं, बीते 6 से हर रोज मुख्यमंत्री 3 सीटों पर जाकर के प्रचार कर रहे हैं, एक दिन में 3 कवर कर रहे हैं, लगातार केंद्रीय मंत्रियों की फौज पश्चिमी उत्तर प्रदेश नजर आ रही है, साझा रैलियां हो रही है, धुआंधार प्रचार हो रहा है, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद है, एक तरीके से मोर्चा खोल दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक तस्वीर हम लोग देखने के लिए तरस गए, एक छोटी सी रिपोर्ट कवर करने के लिए हम लोग तरस रहे हैं कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हो जिसको हम लोग टीवी स्क्रीन पे दिखा सके, जिसकी कुछ न्यूज वैल्यू बन सके। कहीं तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आते तो कुछ मीडिया के लिए भी न्यूज बनती, फिर कहा जाता है कि मीडिया खबर नहीं दिखाता है। देखिए मानस जी, निश्चित रूप से जाट लाइन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है कि पूरी फौज उतार दी, क्योंकि झूठ बोलना है, क्योंकि जो मोदी की गारंटी थी 2014 में वो सारी गारंटियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो रोजगार देने के सवाल की गारंटी रही हो, चाहे महंगाई कम करने की गारंटी रही हो, चाहे किसान की आय दुगनी करने की गारंटी रही हो, सारे गारंटियों में मोदी जी फेल हो चुके हैं। अब नया झूठ परोसना है लोगों के बीच में, इसलिए फौज उतारना इनके लिए ज्यादा जरूरी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए जन चौपाल के माध्यम से एक एक बूथ तक पहुंचने का प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे नेता लड़िए अखिलेश यादव जी लगातार जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं, अभी कली कन्नौज की सभा को संबोधित किया, लगातार 31 मार्च को दिल्ली की रैली में थे, लगातार जनसभा कर रहे, लगातार लोगों के बीच में, लगातार अपनी बात रख रहे, लगातार पीडीए रणनीति के तहत हम लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और जो बात अपना जी कर रहे थे भ्रष्टाचार छुपाने की बात, देश के सारे भ्रष्टाचारी तो आपके साथ चले गए, सबको आपने मंत्री बना दिया, राज्यसभा बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, मंत्री बना दिया, जिनको आप भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बताती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार दादा चक्की पीसिंग डिप्टी सीएम, छगन भुजबल जी, आदर्श सोसाइटी घोटाले के अशोक चाब्यार साहब, ये सब तो बीजेपी के साथ खड़े हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी
जो भ्रष्टाचारी बता रहे थे अमित शाह साहब, वो भी उनके साथ खड़े हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के, और महाराष्ट्र के अंदर जितने भ्रष्टाचारी नेता और भी अन्य दलों में जो थे, वो सब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मोदी जी के छतरी के नीचे खड़े आज के। और जब भ्रष्टाचार पे बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है कि सारे भ्रष्टाचारी इनके पास और ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताने में लगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आपने देखा ही, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किस तरीके से किसका सीबीआई गई, किसका ईडी गया, किन क्या इनकम टैक्स गया, और कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन खरीदा, इससे भी आप भली बात जानते हैं। कोरोना काल में जब देश संकट में था, फाइनेंशियली जूझ रहा था देश, उस समय जब कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी 500 करोड़ चंदा दे रही इनको, लोग भूखों मर रहे थे, लोगों को भोजन नहीं नसीब हो पाया, और ये सरकार उस कंपनी के साथ डील कर रही है कि हम आपको इंजेक्शन बनाने का ठेका देते हैं, आप हमको 500 करोड़ चंदा दीजिए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या कोई देश में हो सकता। लाइसेंसी भ्रष्टाचार किसी ने किया कि चंदा दो ठेका लो रोजगार लो, बड़ी बड़े दोस्तों को ठेका देने का काम किया, और भ्रष्टाचार पन पाया कोई कानूनी रूप से, तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पन पाया। और ये बात अब देश की जनता जानती है कि मोदी की सारी गारंटी फेल है और भ्रष्टाचारी सब के सब देश के भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए सुशील पासी जी, अपर्णा जी आपसे जवाब जरूर लूंगा पांडे जी की बात का, लेकिन सुशील जी के पास चलते। सुशील जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर आप किसानों की आवाज उठाने के लिए आप बार बार बयान देते हैं, वहां पर आप किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, आप कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे लिए प्राथमिकता में है, एक रैली, एक सभा, कोई एक कार्यक्रम क्या आप बता सकते हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया हो अभी तक वहां पर, जब से आचार संहिता लगी तब से लेकर के अब तक? डिवाइस को पहले अनम्यूट कर दीजिए सुशील जी। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ गई जी। अभी आपने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जननायक राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से जब लेकर के मणिपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में होते हुए गए, तो उसमें अमरावा से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गए थे। तो ये कहना निरर्थक है कि इंडिया गठबंधन, अभी आगरा अलीगढ़ में आपने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे अखिलेश यादव जी उस लगने के बाद से, मैं कह रहा हूँ जब से अधिसूचना लागू हुई है, पूरी बात सुनिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस समय दिल्ली में रैली हो रही थी, तो उस समय दिल्ली छोड़ करके आपके प्रधानमंत्री जी है उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये जो ढोंग और ढकोसला और चाल चरित्र और चेहरा की जो पार्टी थी वो बेनकाब हो गई। पूरे विश्व में महाघोटाला करने वाली जो पार्टी है उसको इंडिया गठबंधन ही नहीं, जनता भी उसके साथ मिलकर के इनको जवाब देने जा रही है। और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हम लोग 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ, गारंटी कार्ड हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर लगातार उसको वितरित करने का काम, और एक एक विधानसभा में प्रभारी बनाने का काम, ब्लॉक स्तर पे प्रभारी का काम, अभी तक जब हमारी सीट शेयरिंग हो रही थी तो बीजेपी को पेट दर्द हो रहा था कि हमारे कैंडिडेट नहीं उतर रहे हैं, अब हमारे कैंडिडेट उतर गए हैं, अब उनको जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बेनकाब हो गए। अभी दिल्ली की रैली में जब हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है और हमारे खातों को सीज करने का, फ्रीज करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, और अगर इस देश में न्यायपालिका कांग्रेस को न्याय देने का काम नहीं करती तो ये तो ढोंग करने वाले लोग हैं, 400 पार का ढकोसला बोलने वाले लोग हैं। इनको जवाब पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मिलने जा रहा है। और अभी आप देखिएगा ये जो इनका मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट भी फेल होगा। और रही बात मानसी रैलियां करने का मामला, अभी प्रथम चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं ये सब रैली करेंगे, सब जनसभाएं करेंगे, और हमारी जो 5 न्याय हैं और 25 गारंटियां हैं इन पर हमने ये देश में बताने का काम किया कि इस देश में मनरेगा के तहत इन्होंने 7 रुपया बढ़ाने का काम किया,
और कांग्रेस ने कहा कि इन मजदूरों को हम 400 रुपए मजदूरी देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस देश में हर महिला को हम 1,00,000 रुपए की गारंटी देने जा रहे हैं, 1,00,000 रुपए देने का काम करेंगे साल में। और दूसरी बात, हर युवा को नौकरी करने से पहले 1,00,000 रुपया उनको हम देने का काम करने जाए। इन्होंने क्या किया, इस देश में मजदूरों के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ में। ये तो केवल गुजरात मॉडल लेकर आए हैं, कंपनियों से चंदा लेना और कंपनियां इस देश में महंगाई बढ़ाएं और जनता को ठगने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी फिर अपने खजाने को भरने के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर आ जाए। अगर न्यायपालिका ने SBI बैंक को कोरा नहीं चलाता तो ये इस झूठ को भी छुपा ले जाते और आज ये बेनकाब हो गए। ये चेहरा चोला चरित्र और नीति न्याय ये बात करने वाले लोग बेनकाब हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये जो 400 का ढकोसला बोल रहे हैं ये 180 से नीचे आएंगे और पूरे दक्षिण भारत में 130 सीटें जो है वो वहां से सफाया होने के बाद उत्तर भारत में अभी आप देखिएगा जब चुनाव प्रचार हमारे यहाँ शुरू हो चुका है और हमारे प्रभारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और जो प्रदेश स्तर के नेता है उनकी भी विधानसभा स्तर पर जनसभाएं लग रही है। इसे चौथे चरण तक अगर आप लोग भी कमान संभाल ले तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अभी तो लगता नहीं है। विजय उपाध्याय जी, तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे कि एक जाट लैंड पहला दूसरा तीसरा चरण, पहले और दूसरे को हम ले लेते, तीसरे चरण पर तो आज प्रधानमंत्री ने प्रचार शुरू कर दिया। पहला चरण और दूसरा चरण आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 दिनों से, चूंकि आप भी रिपोर्ट कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 जिले कवर करते हैं, हर रोज एक नई सीट पर चले जाते हैं। कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री या कहा जाए केंद्रीय मंत्रियों की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बनी हुई है। अनुराग ठाकुर आएंगे वो जाएंगे तो अमित शाह आ जाएंगे, वो जाएंगे तो राजनाथ सिंह आ जाएंगे, यानी कोई ना कोई बना हुआ। दोनों डिप्टी सीएम ड्यूटी लगी हुई है, मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, मंत्रियों की फौज वहां पर प्रचार कर रही है, जयंत चौधरी अमित शाह साझा रैलियां कर रहे हैं। एक तस्वीर वहां पर बनाने की कोशिश की गई कि प्रचार में बीजेपी नंबर वन है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तस्वीर हमको क्यों नहीं नजर आ रही है कि जहां पर साझा रैलियां हो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, एक मंच पर राहुल प्रियंका अखिलेश यादव शिवपाल ये सब नजर आए, जो तमाम दिग्गज नेता है वो एक साथ एक मंच पर दिखाई पड़े, कुछ मैसेज देने की कोशिश हो। अभी तक ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? विजय जी आप अनम्यूट कर दीजिए अपना मोबाइल जी। मानस जी जो बातें आपने कही हैं, अगर इस पे मैं उत्तर दे दूंगा तो पार्टी के लोग बहुत नाराज हो जाएंगे, तो मैं नाराज नहीं करना चाहता। मेरा ये कहना है कि बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है, विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहा है और जैसा अभी पासी जी ने कहा, सुशील जी ने, बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें बहुत लोहा चल रही हैं, मजबूत चल रही हैं और 4 जून को इसका रिजल्ट बहुत ही चमत्कारी आएगा। हम लोगों को इसी की उम्मीद है क्योंकि जो दावा है अपोजिशन का वो बहुत ही जबरदस्त है और हमें इस दावे पे पूरा भरोसा करना ही चाहिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्टियां जो है किस तरीके से अपना चुनाव लड़ेंगी, किस तरीके से रणनीति बनाएंगी, उम्मीदवार कितनी बार बदलेंगी, किसको उम्मीदवार बनाएंगी, अपनी पार्टी से नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी से लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये सारी चीजें राजनीतिक दलों का अपना एक रणनीति है और ये सब रणनीति के तहत किया जा रहा है। जनता इससे बहुत प्रसन्न है, कार्यकर्ता बहुत गदगद है, इनके बूथ कार्यकर्ता बहुत संगठित हैं और चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही हैं। हम आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं, हम आप तो केवल देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और बेहतर है मानस जी कि जब चुनावी विश्लेषण हो तो सिर्फ मीडिया के लोग हों या नॉन पॉलिटिकल लोग हों तो हम लोग आपस में विश्लेषण कर लें, क्योंकि कोई भक्त कह देगा, कोई अंधभक्त कह देगा, हम लोग जब किसी की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव देते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं कि भाई आप चिंता करिए, ये भी बुरा लगता है। तो ये जो दौर है और जहां पे चीजें आके खड़ी हैं वहां ये जो कहें वही सही है और जो रणनीति इनकी है, अब आप देखिए बागपत में भी प्रत्याशी चेंज हो गया, मेरठ में भी चेंज हो गया, जो चेंज हुआ है उस पर भी सवाल है, हम ये सब बोल देंगे तो बड़ी नाराजगी हो जाएगी।
इससे अच्छा मुरादाबाद है, मुरादाबाद में क्या चल रहा है? जी जी बदायूं में जो चल रहा है भाई, घर की बात है, घर में आप अपना तय कर लीजिए, आप घर के लोग हैं, इसमें कोई बाहर का तो है नहीं, घर में नहीं तय हो रहा है। एक पार्टी एक रणनीति के तहत जिले से प्रस्ताव पारित करा के भेजा जा रहा है, तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है और इससे ही बीजेपी कमजोर होगी, इससे ही वोट मिलेंगे और इससे ही जीत का मार्जिन बड़ा होगा और इससे ही सीटें आएंगी, इससे ज्यादा मैं क्या और कह दूं। ये मतलब दिल खुश करने के लिए वैसे ये ख्याल अच्छा है वो ना, गालिब दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है भाई, आरोप लगे उससे बेहतर है, बेहतर है कि बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, हम आपको वहीं पे अपना चर्चा करें। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप चाहते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि 2014 में जिन फर्स्ट फेज की 8 सीटों के चुनाव हो रहे हैं वहां सारी सीटें संभवतः बीजेपी ने जीती थी, अगर एकाध कोई हारी हो तो मुझे याद नहीं है, करीब करीब सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो 8 पहले फेज के 8 सीट के चुनाव हो रहे हैं और अपोजिशन बहुत मजबूती से लड़ रहा है, इंडिया अलायंस के फेवर में लोग बहुत अच्छे से हैं और बीजेपी को मेहनत इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो कमजोर हैं, इसलिए वो केंद्रीय मंत्री उतरे हुए हैं, प्रदेश के नेता वहां दौरे कर रहे हैं, 3-3 दौरे कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री इनके प्रदेश के अध्यक्ष दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ता की टिफिन बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के पन्ना प्रमुखों की टिफिन बैठकें हो रही हैं, बूथ सम्मेलन हो रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं और ये इनको लगता है कि इस बार का चुनाव बहुत ही खराब है, वो भाजपा इसलिए पूरी ताकत झोंक के मैदान में उतरी। मतलब ये बेफिक्री इसलिए है ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन आसानी से उधर की सारी सीटें जीत लेगा और बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सीटें बचाने के लिए। बीजेपी मेहनत, बीजेपी को चिंता पहले से आज से नहीं, जब 10 मार्च को रिजल्ट आया था 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को, बीजेपी को उसी समय चिंता हो गई थी और बीजेपी ने 11 मार्च से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। मंत्रिमंडल जो बना वो भी लोकसभा के लिहाज से इन्होंने मंत्रियों को रखा क्योंकि इनको पता था कि आगे चल के एक तगड़ा अलायंस से इनको मुकाबला करना होगा और उस अलायंस के मुकाबले हमें अभी से तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बीजेपी ने उसी समय से अलायंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी थी और देखिए राज्यसभा में सीटें जो भेजा बीजेपी ने वो भी लोकसभा चुनाव के हिसाब से जातीय समीकरण सबसेट करते हुए, MLC के जो भेजे उसमें भी जातीय समीकरण के हिसाब से, दारा सिंह चौहान को वापस ले आए जातीय समीकरण के हिसाब से और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ जोड़े, चूंकि ये डरे हुए थे इसलिए अपने साथ जोड़ लिया इन्होंने, RLD को इसलिए अपने साथ जोड़ लिया कि RLD को ले लेते हैं और 2 सीट दी तो भी वो खुश हो गए और इनके साथ चले आए, उधर 7 से ज्यादा मांग रहे थे। तो ये चूंकि ये एक ऐसी पार्टी जो घिर गई है अपोजिशन से बहुत मजबूती से, हर मुद्दे पे अपोजिशन के आरोप के हिसाब से फेल है, नाकाम है, तो उन्होंने देखिए मानस जी 2014 में भाजपा एक पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश मैदान में थी अपना दल के साथ, 2019 में 3 पार्टी के साथ लड़ी और 3 पार्टी का अलायंस दूसरी तरफ था, मजबूत अलायंस, 2024 में 5 पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी डर के मारे चुनाव लड़ रही। अब आप सोच सकते हैं कि 5 पार्टियां हैं इस समय, बीजेपी है, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल सोनेलाल है, निषाद पार्टी है, तो ये इसके अलावा जो OBC का और जो SC ST का जो जातीय समीकरण है, जितनी भी मजबूत ज्यादा संख्या वाली बिरादरियां हैं उनको उनके नेताओं को अपने साथ जोड़कर एक 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 डरी हुई पार्टी के तौर पे इन्होंने इतना मजबूत अपना किला बनाने की कोशिश की है कि शायद बेहतर स्थिति बन जाए। वैसे विजय जी मैं आपकी इस हुनर से वाकिफ नहीं था, अगर आप व्यंग लिखते अखबारों में खबरों के साथ साथ तो बहुत अच्छा लिखते, बहुत लोग पढ़ते उसको, एक अच्छा सटायर था आपका। लेकिन अपर्णा दीक्षित जी, अब विजय जी की बात सही, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, इतनी घबराहट मतलब पसीना आ रहा आप लोगों को कि क्या करे, पूरे सारे केंद्रीय मंत्री की फौज उतार दी, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को उतार दिया आपने, कार्यकर्ताओं से लेकर के संगठन के बड़े पदाधिकारी से लेकर के पन्ना प्रमुख तक आप लोग मैदान में उतार दिया आप लोगों ने, इतनी घबराहट आप लोगों के मन में हो रही है इंडिया गठबंधन से? अपर्णा जी अनम्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है अपर्णा जी, आप सुन पा रही हैं? जी हाँ जी सुन पा रही हूँ, आवाज आ रही है आपको?
देखिए ये बात जो कह रहे विजय जी जी ने ये बात कही बहुत ही सटीक तरीके से अपने आप को बचाते हुए, कहीं हमारे ऊपर आरोप न लग जाए इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और ये बात सत्य भी है कि अगर कुछ समझाते हैं विपक्ष को अगर वरिष्ठ पत्रकार, तो कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप और लांछन लगाए जाते हैं कि आप एक तरफा हो गए, आप बाइल्ट हो गए, तो कहीं वो अपनी बात रखने से बच रहे हैं सीधे तौर पर, ये देख सकते हैं आप मानस जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है वो इसी प्रकार का शुरू से ही रहा है। भले ही आप, हम जब विपक्ष में थे तब भी हम इसी प्रकार से चुनाव लड़ते थे कि सब बूथ स्तर से लेके आपके जो शीर्ष नेतृत्व तक है वो सब एकजुट होकर ही चुनाव लड़ते हैं। हम लोगों का जो संगठन संगठन की जो शक्ति है वो आपको दिखाई देगी, हर चुनाव में दिखाई देती है, भले ही हम विपक्ष में हों या फिर अभी हम सत्ता में हों। अब हम लोग क्या है कि कुछ लोग हैं जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, सत्ता का सुख भोगने लग जाते हैं। हम लोग काम करते हैं सीधे तौर पर, यही है इसकी जो जवाब है वो यही है कि हम सत्ता का सुख नहीं भोग रहे हैं, हम अभी भी काम कर रहे हैं, हर एक आखिरी इंसान तक भी अपनी योजनाओं को पहुंचाने में लगे रहते हैं, चाहे बूथ स्तर पर हो, चाहे जिले स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे आपके राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर एक नेता बारी बारी से आता है, चुनाव में लगता है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अब मैं आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। आपने बोला था इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में आप गिनती तो कर पा रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए की गिनती नहीं हो पा रही थी इस बॉन्ड को आने से पहले, चुनावी बॉन्ड को आने से पहले। पर्चों पर काले धन कैश में जाते थे, आपके जो चुनाव में जो भी धन जाता था वो कैश में जाता था या फिर चेक बुक पर जाता था, ऐसे लिखित रूप में दे दिया, अकाउंट में उनकी गिनती नहीं हो पाती थी। आज कम से कम आप लोग इस पर बात तो कर पा रहे हैं और हम इसका जवाब भी दे रहे हैं, इस पर बात कहाँ होती थी? काले धन की समस्या उत्पन्न हुई क्यों? वो इसी वजह से हुई, काले धन की भी फिर हमने समीक्षा की तो कहीं ना कहीं नोटबंदी हुई उसको लेकर। रही बात ये कि आप कह रहे थे कि कोरोना पर आपके विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ट्विटर के अलावा, आप ये देख रहे होंगे मानस जी अगर आप थोड़े दिन पीछे जाएंगे कोरोना काल में कितनी भयावह स्थिति थी, एक भी इनका कार्यकर्ता बाहर निकल कर नहीं आया था। हमारे कार्यकर्ता जब लोग पैदल चल रहे थे, लोग जब त्रस्त थे अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, बाकायदा हम लोगों ने बहुत सारे मास्क बांटे, हम लोगों ने उनकी सेवा की, हम लोगों ने अनाज प्रदान किया, हम लोगों ने खाद्य सामग्री प्रदान करी। अब कितनी सेवा भाव से सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लगे रहे और हमने अपने दायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन किया। रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि इनकी कोई गारंटी नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी अभी तक आपकी निगाह में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर आप भ्रष्टाचारी को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हो गया? मैं आपसे पूछती हूँ, एक भ्रष्टाचार का मुझे नाम बताइए। आपकी पार्टी के 10 भ्रष्टाचार में बैठे बैठे अभी गिना सकती हूँ जो कि लिखित रूप से भी है। आपके यहाँ जो बजट पास होता था 97,000 करोड़ का बड़ा घोटाला जिसकी जांच भी जारी है अभी, आपके यहाँ आप जो पार्क बने थे लखनऊ के उसमें भी घोटाला हुआ, कहाँ नहीं घोटाला होता था। खैर ये छोड़िए, दूसरी बात किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जितना काम किया है वो किसी से अछूता नहीं है। महिलाओं को लेकर आज महिलाएं रात में भी अपना काम करके घर वापस सुरक्षित जाती हैं। उनके शासनकाल में अखिलेश यादव जी के में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, इनके शासनकाल में लोग राह चलते लूट खसोटी होती थी लोगों पर। तो ऐसे हर बात का जवाब देना ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये कहना कि हम डर गए हैं, हम पीछे हट गए हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं और सबको झोंक दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने कामों को गिनाने जा रहे हैं, 10 साल की जो सत्ता थी उस काम को गिनाने के लिए जनता तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे हम लोग, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, डरे हुए नहीं है, आज भी कह रहे हैं डंके की चोट पर कह रहे हैं 80 के 80 सीटें आएंगी और आप ये देखेंगे मानस जी। चलिए कीर्ति दीदी, जिस बात का जिक्र जी कर रहे थे, क्या आप लोग पार्टी के भीतर इस बात को नहीं उठाते हैं कि कैंपेन में बहुत देर हो रही है, आप लोगों को निकलना चाहिए, बड़े नेताओं को पहुंचना चाहिए? ये आप लोग भी तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, आप लोग को चिंता नहीं होती कि एक तस्वीर वो है जो जनता के सामने और एक तस्वीर ये कि कोई नजर ही नहीं आ रहा है?
आपने कैंडिडेट्स को उसके भरोसे छोड़ दिया कि तुम जाओ अपना प्रचार खुद ही कर लो, जाकर खुद ही चले जाओ गांव गांव गली गली। बड़े नेताओं के पोस्टर से कुछ माहौल बनता है, मंच से एक बात कही जाती है, एक संदेश जाता है, ये कौन सी रणनीति है आपकी? देखिए मानस जी, जो बात आप कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट के भरोसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर लोकसभा में हमारे प्रभारी हैं, सब अपने अपने जनपदों में अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लगातार मैंने कहा पीडीए रणनीति के तहत पीडीए जन चौपाल लगा करके हम बूथों तक जाने का काम किए, लोगों से मिलने का काम किए और लगातार प्रचार में रहे। हमारे नेता 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जनपदों के भ्रमण पर रहे, लगातार जनता से संवाद स्थापित करने का काम किया। और जो बात विजय जी कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है कि विपक्ष के लोग आरोप लगा देते हैं, निश्चित रूप से मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि मीडिया के तमाम साथियों पर विचार करना चाहिए। हमेशा सवाल सत्ता से होता रहा, लेकिन आज की स्थितियां कि मीडिया के साथी भी विपक्ष से सवाल पूछते हैं। जो सरकार में जो उसका कमिटमेंट है वो कितने पूरे हुए? मैंने जो बात दीक्षित जी से कहा उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो कह रहे थे हम भ्रष्टाचार अपना छिपा रहे हैं, जब देश के सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के छतरी के नीचे आ गए, देश के सारे भ्रष्टाचारी वहां भ्रष्टाचार अपना छिपा रहे हैं, राज्यसभा से लोकसभा से और डिप्टी सीएम बनकर के छिपा रहे अपना भ्रष्टाचार, नेता प्रतिपक्ष बन के छिपा रहे हैं, सीएम बन के छिपा रहे हैं और सब मोदी जी के बड़ी छतरी के नीचे खड़े हैं सारे भ्रष्टाचारी देश के, और ये आरोप लगा रहे कि ये लोग अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे। अगर भ्रष्टाचार में कोई आया जरा सा भी शामिल रहा तो मोदी जी ने उससे हिसाब किया, जो उनके पास नहीं गया उसको जेल भेजने का काम किया, जो नहीं रहा उसको भी जेल भेज रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ना मजबूती से लड़ी ना लड़े ना पाए। लेकिन विपक्ष लगातार अपने रणनीति के तहत पीडीए रणनीति के तहत अपना काम कर रहे हैं और अपनी रणनीति के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आएगा। आज तो सवाल होना चाहिए मानस जी ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या हड़ताल, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया मोदी जी ने, मोदी की तो गारंटी थी। क्या 2022 तक किसानों पे दुगने के बाद तो बीजेपी को बताना चाहिए, बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए, वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे, कि क्या है दुगनी हो गई? क्या किसान आत्महत्या नहीं कर रहे? महिला सुरक्षा की बात कर रही है, आज भी उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर वन है। क्या हाथरस की बेटी को न्याय मिल गया? क्या भी जो बीएचयू के अंदर हुआ हो उसको न्याय मिला? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे उसमें, और अभी आज भी बीएचयू की एक घटना आई है जिसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, ज्वाइंट कमिश्नर से वो महिला पीड़ित मिल रही है, जिसके साथ घटना घटी हो ज्वाइंट कमिश्नर के संज्ञान में मामला गया, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया बनारस के अंदर। मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली कि पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, मान लिया मैंने आपकी बात, विपक्ष का काम क्या होता है? अगर इतना ही अन्याय अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष सड़कों पे क्यों नजर नहीं आता है? भूल गया वो दौर, बसपा की सरकार में सड़कों पे कितने आंदोलन हुआ करते थे, खुद नेताजी 80 साल की उम्र में बस पे बैठ करके पुलिस लाइन तक चले गए, आपको नजर आते नहीं, क्यों नहीं? आप अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं तो आपकी फोर्स कहाँ है, आपके कार्यकर्ता कहाँ है? उस लड़की को, उस महिला को लेकर जाए थाने पे, घेराव करें, मीडिया की खबर बनेगी। देखिए लगातार कार्यकर्ता हमारे रहे हैं, जनता के बीच में रहे, आंदोलन करते रहे, और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस के थानों में रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 5-7 सालों में लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए आंदोलन के दौरान, केवल आवाज उठाने के, किसान की, नौजवान की, बेरोजगार की। और मैं तो कह रहा हूं जिस रणनीति के तहत तमाम पिछड़े जाति के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराए, कोई एक पिछड़े समाज का नेता 69,000 चयनित विद्यार्थियों की बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं जो शिक्षक में चयनित है 800 विद्यार्थी उनको क्यों नहीं न्याय दिला देता? 600 से ज्यादा दिन हो गए आंदोलन करते हुए, ये बात का पिछड़ा समाज नहीं जान रहा, दलित समाज नहीं जान रहा। और इस बार मतदान बहुत विवेकपूर्ण तरीके से होगा। आप जा करके वहां पर आपके नेता जाएंगे, 2 मिनट बात करके फोटो खींचा के चले आएंगे, पूरा पूरी जिम्मेदारी मीडिया की ही है कि वही करता रहे विपक्ष? देखिए सरकारें मीडिया के सहारे बनती बिगड़ती नहीं रही हैं, मीडिया से रिपोर्ट करता रहा है। सरकारें हमेशा जो सियासी ताकतें रही हैं, सच्चाई की रिपोर्ट ही तो चाहिए मीडिया से, और कोई सहयोग नहीं चाहिए, यही रिपोर्टिंग ही चाहिए। चलिए विजय उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी मीडिया की ही हो गई? अब मतलब चुनाव ये हमारे जवाब
चार पांच मुद्दे हैं और उन मुद्दों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जनता को कन्विंस करने की कभी कोई कोशिश नहीं है। मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मुलायम सिंह जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस के जमाने में दर्ज हुआ। इसके बाद यूपीए सरकार के जमाने में अपने दो मंत्रियों को उन्होंने जेल भेजा, ए राजा और कनीमोझी। वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने जेल भेजा। पार्लियामेंट में नोटों की गड्डियां दिखाई गई, उसके बाद भ्रष्टाचार का मामला आगे बढ़ता गया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट बना था वो बाद में पार्टी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो मुद्दे भ्रष्टाचार के उठे उस सरकार के दौर में और जो कार्रवाई उस सरकार के दौर में शुरू हो गई थी, उसमें मुलायम सिंह जी और उनके परिवार को छोड़कर सारे मुद्दे चल रहे हैं, वही मुद्दे हैं, उन्हीं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन्हीं का विस्तार है। अगर आप देखेंगे कि जब जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग थे, जिन लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए, आज उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो पार्टी बाद में जो आंदोलन था जब पार्टी में कन्वर्ट हो गया, तो वो पार्टी आज एक अलायंस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वही है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरी अगर किसी इंडिया अलायंस की कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के करप्शन के आरोपों पर पूरी देश का विपक्ष एकजुट हुआ और उस आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसने सबसे ज्यादा गाली दी, सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप लगाए और किसी को नहीं छोड़ा। तो जो लोग दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर उनके कोई वसूल नहीं होंगे, उनके कोई सिद्धांत नहीं होंगे, जो आपको चोर कह रहा है आप उसके साथ खड़े हो रहे हैं, तो जनता क्या कहेगी? वीडियो मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, सोशल मीडिया पर ढूंढ लीजिए, लिस्ट गिनाते हुए अरविंद केजरीवाल का, और सबको कहा ये सारे के सारे चोर हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था किसी के ऊपर अगर करप्शन का आरोप लग जाए तो उसे इस्तीफा देके तुरंत जांच करानी चाहिए, वही अरविंद केजरीवाल ने कहा। ठीक है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, और अगर 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 भेदभाव वाली बात होती तो फिर यूपीए ने क्यों शुरू किया? यूपीए को करना ही नहीं चाहिए था करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। तो जब आप कोई काम, जो अभियान मनमोहन सरकार ने शुरू किया था, मेरा ऐसा मानना मोदी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब आप करप्शन के खिलाफ करप्शन वाले लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है, फिर जनता डाउट से देखती है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट को जनता ने दो राज्यों में सरकार दी, तीसरे राज्य में 13-14% वोट दे दिया गुजरात में, छत्तीसगढ़ में भी उसको ठीक ठाक उसकी प्रेजेंस दिखाई देने की कोशिश हो रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हो रही है, और नेशनल पार्टी हो गया 10 साल में। और जो नेशनल पार्टी थी जिसके ऊपर उसने सबसे ज्यादा आवाज उठाया, वो पार्टी नीचे श्रिंक हो रही है। तो जब राजनीति में आप अपने सिद्धांतों को लेकर आगे नहीं चलेंगे, आप अपने अपनी बात को जनता के सामने ठीक से नहीं रखेंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो यही बताएंगे कि हम तो पीड़ित हैं, जनता हमारी मदद करे। अरे भाई, जनता पीड़ित है, वो आपके साथ आपके लीडरशिप में खड़ी होना चाहती है। आप दमदारी दिखाइए, लीडरशिप दिखाइए कि हम लीडर हैं, हम समाधान करेंगे, और हमारे पास समाधान का फार्मूला ये है। अब खाली कहने से नहीं होगा, बीपी सिंह के तरीके से कि बोफोर्स के दलालों के नाम हमारी जेब में है, प्रधानमंत्री बनते ही इसे निकाल दूंगा। निकाला नहीं उन्होंने कभी, उस समय मीडिया ने सवाल नहीं किया उनसे, मीडिया उनके पीछे खड़ा हुआ, मीडिया को धोखा दिया उस समय विपक्ष ने। एक चुनी हुई मजबूत सरकार राजीव गांधी की, मीडिया के गलत रिपोर्टिंग और गलत मिसयूज किया पॉलिटिकल लोगों ने, और वो सरकार बुरी तरह हारी, उसके बाद सत्ता से बहुमत में कभी वापस ही नहीं आ पाई। तो मीडिया किस पे भरोसा करेगा? आप जिन सवालों को लेके आप मैदान में जाए, अच्छा, जिन पार्टियों को आप गाली दे रहे थे अभी उपचुनाव तक, आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर मीडिया से कहेंगे आप हमारे साथ खड़े हुई? जितने मुद्दे मीडिया ने उठाए हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, वही बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव में है। हाथरस का मामला सबसे पहले मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जितने भी मुद्दे हैं, शिक्षकों वाला मुद्दा भी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, और शिक्षकों का मसला खड़ा कहां से हुआ? जब आप शिक्षा मित्रों को बिना औपचारिकता के, शिक्षा मित्रों को जब आप उठा के तुरंत उनको सहायक अध्यापक घोषित कर देंगे चुनावी लाभ के लिए, सुप्रीम कोर्ट उनको रद्द कर देगा, फिर एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा के
परिणामों के आधार पर लोगों को नौकरी मिलेगी, अब उसका एक्सप्लेनेशन भाजपा को देना चाहिए, विपक्ष को बताना चाहिए कहां कमी है। विपक्ष नहीं बताता, विधानसभा में चर्चा हो रही थी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, हम लोग बैठे थे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया, उसके बाद विपक्ष ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो आखिर अच्छा, अब जो बात अभी पांडे जी कह रहे थे कार्यकर्ताओं मुकदमे होते हैं, ये कानून किसने बनाया? मायावती जी ने बनाया 2011 में कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान होगा, उन्होंने एक बाकायदा कानून बनाया। मानस जी आपको याद होगा सपा का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद ही उन्होंने वो कानून बना दिया 2011 में। पूरे पांच साल सरकार रही समाजवादी पार्टी की, जो आंदोलन वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी ने उस कानून को रद्द नहीं किया। योगी जी के जमाने में वही कानून सबसे बड़ा हथियार बन गया, उसमें उन्होंने संशोधन करके और ताकत दे दी है। तो जो जो चीजें आपने जो हथियार बनाए थे, जो तैयार किए थे, वो हथियार का इस्तेमाल तो जो पार्टी रहेगी करेगी। हम लोग तो ये देखते हैं कि भाई को हो इन रिप हमें कहानी, हम तो पत्रकार थे 92 में ही थे और 2024 में भी हैं, और हमको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, ना हमको एमएलएम भी बनना है, ना हमें सत्ता का कोई लाभ लेना है। जिनको लाभ लेना है मुद्दे उन्हें उठाना है। डेमोक्रेसी में नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों दिया गया? मीडिया को तो नहीं दिया गया, हमारा तो संविधान में जिक्र ही नहीं है, हम तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पे ही खाली हमारी हैसियत है, हमको संविधान में कहीं कोई हमारी जगह नहीं है। संविधान निर्माताओं ने मीडिया के लिए कहीं कोई जगह नहीं दी, उन्होंने केवल अभिव्यक्ति की आजादी दी, और अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं इतने वर्षों से, और 24/7 करते हैं। भूकंप आता है तो हम खड़े रहते हैं, कोरोना आता है तो हम सड़क पे खड़े रहते हैं, महामारी आती है तो हम सड़क पे खड़े रहते हैं, कर्फ्यू होता है तो हम सड़क पे खड़े होते हैं, पुलिस से पहले पहुंच के घटना की रिपोर्ट हम देते हैं। और उसी मीडिया को मुलायम सिंह कहते थे सबसे लड़ना मीडिया से मत लड़ना, लेकिन आज सबसे ज्यादा सवाल मीडिया पे है, क्यों? आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं मीडिया आपको कंधे पे बैठा के सत्ता के गलियारे तक पहुंचा दे। अरे भाई आप भी बताइए ना, आप बताइए कि किसानों की आय दुगनी अगर होनी है तो क्या फार्मूला है और कैसे दुगनी हो सकती है, और जो अभी अभी एमएसपी जो मिल रहा है और बाजार मूल्य है, खत्म कर दीजिए बाजार मूल्य। अभी 2400 रुपए किलो गेहूं बाजार में बिक रहा है, सरकार के पास 2275 रुपए में कोई बेचने नहीं आ रहा है, तो आप कहिए कि नहीं नहीं बस 2275 पे ही बेचो, 2400 रुपए मत बेचो। ये जो लोग गलत तर्क देकर, गलत तथ्य देकर किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, तो किसान सच्चाई जानता है ना कि हमको बाजार 2800 रुपए 3000 तक गेहूं की कीमत आ रही है। किसान अब होल्ड कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि हमें ज्यादा गेहूं की कीमत मिलेगी, तो प्राइवेट को भी बेचने से इनकार कर रहा है, सरकार को भी बेचने से इनकार कर रहा है। तो चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जो जिस तरीके से राजनीति हो रही, जो पैरामीटर और डायनेमिक्स हैं चुनाव के, उसमें आप अपनी भूमिका को छोड़कर दूसरे की भूमिका के निर्वाह कर रहे हैं जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं। जी बताइए पांडे जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे जी? देखिए एक सवाल है, विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल शुरू हुआ, मनमोहन सिंह जी के मिशन को मोदी जी से कनेक्ट कर दिया, मनमोहन सिंह जी के सरकार में उनके मंत्री जल गए थे, और मोदी के सरकार में सारे भ्रष्टाचारी उनके छतरी के नीचे, ये बातें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि जितने भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब आप मान रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता आपके साथ थे सब भ्रष्ट थे, हिम्मत हौसला नहीं है भ्रष्टाचार को दूसरे एंगल से बता करके और अपनी बात को दूसरे एंगल में ले जा करके खड़ा कर दिया उन्होंने। बताते कि मोदी जी के छतरी के नीचे सारे भ्रष्टाचारी अपनी जान बचाए पड़े हैं, कोई डिप्टी सीएम बन करके, कोई राज्यसभा जाकर के, कोई लोकसभा जाकर के, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ करके, कोई मुख्यमंत्री बन करके, कोई नेता प्रतिपक्ष बन करके, जिसको सबको भ्रष्टाचारी बताती थी भारतीय जनता पार्टी। और किस बात की, किसके चरित्र की बात, कौन सी पार्टी के चरित्रवान? अरे आप तो पहले दिखा चुके हैं, लिख चुके हैं, अगर जब आप बोलेंगे नहीं तो हम लिखेंगे क्या? आप बोलिएगा, बड़े बड़े आप बोलिएगा अपनी पार्टी के इंटरनेट बदलने के नेताओं को कि वो चलाए एक कार्यक्रम हल्ला बोल, चलाए एक हल्ला बोल कार्यक्रम। आप देखिए सिर्फ नहीं चलेगा प्रतिनिधि जी, मैं समाजवादी पार्टी सत्ता का उसको भी कट करिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी नहीं है। अगर आप अच्छा ये बताइए,
इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी खड़ा कर नहीं है सुशील पासी जी। चलिए कीर्ति जी, सुशील पासी जी के पास डिबेट अपलोज करनी है मुझे, समय बहुत कम बचा है। सुशील जी, ये जो बार बार मीडिया को आप लोग टारगेट करते हैं, कभी आप लोग आत्मचिंतन करते हैं? अरे भाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर विपक्ष लामबंद हुआ तो मीडिया की देन नहीं थी, मीडिया रिपोर्ट करता है। अगर जेपी का आंदोलन खड़ा हुआ तो मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। अगर मोदी जी की सरकार भ्रष्ट है, सारे भ्रष्टाचारी वहां पर जमा है, तो किसने रोका आपको एक आंदोलन चलाइए इंडिया गेट करप्शन की तरह? किसने मना किया? आप भी चलाइए, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। आप खुद हम चलाएंगे, साथ तो थे, इनके साथ थे, भ्रष्टाचारी थे, इनको पता था। अब चले गए हैं तब कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी थे। मानस जी, मीडिया की जो भूमिका है, यही तो कहने की हिम्मत नहीं है। आप कह दीजिए बात। मानस जी, भाई साहब जी, आप तो समझ पांडे जी कह दिया ना, आप कहते हैं अच्छी पत्रकारिता करते हैं, कह दिया ना पांडे जी, मैंने कहा ही तो। कहां कर रहे, तो नहीं कर रहे ना कि सारे भ्रष्टाचारी मोदी के छतरी के नीचे आ रहे। ये सारे भ्रष्टाचारी शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन तो मैं बात कह रहा हूँ, जो लोग आपके साथ गए भ्रष्टाचारी थे, ये आपका कहना है। क्यों आज आज अजीत पवार दादा भ्रष्टाचारी नहीं है? छागन आप बताइए, जब आपके साथ थे तो नहीं भ्रष्टाचारी थे आपके साथ थे तो शुभेंदु अधिकारी, यही फर्क है। चलिए सुशील पासी जी के पास चलते हैं। सुशील जी, अपनी बात खत्म करिए, का समय खत्म हो गया जी। मानस जी, देखिए मीडिया को भी और इस देश के हर नागरिक को संविधान को बचाने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। नेता भी अपनी भूमिका अदा करेंगे और न्यायपालिका से लेकर के चाहे वो मीडिया के लोग हो, सबको अपनी भूमिका अदा करनी होगी। सवाल यह है कि जब इस देश में मीडिया एक नैरेटिव बनाता है और विपक्ष से सवाल करने के बजाय सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करेगा, अब जैसे ये सवाल इस देश में बनना चाहिए कि 2G घोटाला का नैरेटिव बना इस देश में और मनमोहन सिंह की सरकार इस मुद्दे पर घिरती नजर आई, लेकिन जब हाई कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से लगातार ये 7 साल तक साक्ष्य मांगती रही, तो मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी नहीं पहुंचा। और उसी 2G घोटाला में ए राजा बाईचत बरी हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस देश में संविधान को बचाने के लिए जननायक राहुल गांधी जी इसीलिए निकले हैं। हम मीडिया पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में हर वर्ग, चाहे वो अधिवक्ता वर्ग हो, चाहे वो न्यायपालिका का व्यक्ति हो, चाहे मीडिया के लोग हो और चाहे नेता लोग हो, उनको अपना पराया नहीं देखना चाहिए। कि अगर भ्रष्टाचारी है, कालाधन की बात करते थे, तो आपको उजागर करना चाहिए था ना। अगर कांग्रेस का आदमी कालाधन में था, आप जेल भेजते। 10 साल आपने सरकार चलाई, आप बताइए ना, आपने इस देश में कांग्रेस के कितने नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजा? ये मनमोहन सिंह में कलेजा था कि अगर न्यायपालिका के हित में अगर उनको लगा कि अपने मंत्री को जेल भेजना है, तो वो किसी भी संसद में जाकर के उन्होंने संविधान में संशोधन नहीं किया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि नहीं, चुनाव आयोग में एक न्यायपालिका का भी सदस्य रहेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? जब जब कभी न्याय सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्देश करता है, उसके खिलाफ संसद में जाकर अध्यादेश लाते हैं, कानून के खिलाफ काम करते हैं। तो इस देश में एक ऐसी सरकार आ गई है जो सिर्फ अपने मन की बात सुनती है, ना विपक्ष की सुनती है, ना किसानों की सुनती है, नौजवानों की सुनती है। तो 44 पर यह सरकार चल रही है। आपको मायावती को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इतने मंत्री, विधायक, सांसद उन्होंने अपनी सरकार में गिरफ्तार करवाए, वो भी अपने आप में कीर्तिमान है। मेरे ख्याल से दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में, कम से कम नहीं। मनमोहन, देखिए मानस जी, अभी सुशील जी कह रहे हैं कि ये राजा बरी हो गए, तो इन्होंने गिरफ्तार क्यों किया उनको? भाई जी, दुनिया जानती थी कि जो CAG की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में एस्टिमेटेड फिगर 1,75,000 करोड़ की दिया गया था, एस्टिमेटेड उसमें लिखा था रिपोर्ट में। ये बात तत्कालीन सरकार कन्विंस नहीं कर पाई, लोगों को बताई, कन्वे क्यों नहीं किया इन्होंने? इसकी मीडिया की गलती थी। अरे भाई, मीडिया विपक्ष के साथ दे रहा था, विपक्ष के साथ देने में बड़े रिस्क है। मीडिया ने वो तत्कालीन विपक्ष के साथ दिया, तत्कालीन विपक्ष ने कहा लूट है, मीडिया लिख दिया लूट है कि भाई फलाने ने कहा ये लूट है, यही तो लिख रहे थे ना। किसी मीडिया वाले ने अपनी तरफ से तो लिखा नहीं, उन्होंने लिखा
कि भाजपा ने आरोप लगाया कि ये 2 लाख करोड़ रुपए की लूट हो गई अकॉर्डिंग टू सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट में लिखा था कि एस्टिमेटेड फिगर है, अगर इस तरह से नीलामी हुई होती तो इतना हो सकता था, तो हो सकता में 2 लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं बरी हो गए, तो आपने इतनी बड़ी गलती, क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पे आप अपने सहयोगी दल को जेल भेज दिए, सहयोगी दल के नेता को। तो सवाल राजनीति करने के तौर तरीके का है और नैरेटिव क्रिएट करने का है। अगर जिसमें राजनीति ये है कि जिसमें लीडरशिप एबिलिटी होगी वो कामयाब होगा, उसको दिक्कतें रोक नहीं पाती, जिनमें एबिलिटी नहीं होगी वो दूसरे के कंधे का सहारा लेने की कोशिश करेगा। आज मायावती अकेले चलने की कोशिश कर रही है, किसी के साथ नहीं है, एक एक सीट पे जो प्रत्याशी उतार रही है आप देखिए कितने रिसर्च करके उतार रही है, कहीं भी बदला नहीं है। मायावती 27 का विजन लेके चल रही है कि 24 में जो कुछ आएगा हम देखेंगे, 27 हमारे हमको फोकस करना है। तो हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, हम ये नहीं कहते कोई पार्टी अगर बदल रही है गलत कर रही है, वो विचार बार बार करना चाहिए, बार बार बदलाव हो, अच्छा बदलाव हो अच्छी बात है, लेकिन बदलाव पार्टी के भीतर से सवाल उठे और फैमिली के लोग प्रस्ताव पास करा के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजें और कहें नहीं मैं नहीं ये ठीक है, घर में ही ये बात हो रही है, तो जाहिर है कि लोगों को मौका मिलता है, लोग बोलते हैं। और जब बिल्कुल ठीक कोई बोलेगा वहां जो अपोजिशन उनके खिलाफ होगा वो बोलेगा तो कहेंगे भाई सपा के खिलाफ अपोजिशन बीजेपी ही तो है या बीएसपी है, कांग्रेस तो उनके साथ है। ठीक बात है, ये मौका खुद ही दिया जा रहा है। चलिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चूंकि डिबेट का वक्त खत्म हो गया। कीर्तिदी पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, अपर्णा जी, विजय उपाध्याय जी खास तौर से आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ सुशील पासी जी भी जुड़े हुए थे, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे हम लोग जाट ट्रेंड की, जाट ट्रेंड में किस तरीके की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है, बिखरा हुआ विपक्ष अभी भी संगठित नजर नहीं आ रहा, उसके क्या सियासी परिणाम हो सकते हैं। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।